Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, आज की इस जापानी भाषा एक परिचय की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जापानी भाषा में बहुत कुछ किया है और हमारी पिछली क्लास में हमने आपको बताया है कि स्थान कैसे बताया जाता है, व्यक्ति कहाँ है या वस्तु कहाँ है उसके बारे में आपको बताया है। उसी के साथ हम लोगों ने और कांजी भी करी है, नई कांजी कैरेक्टर्स किए हैं, तो आज भी हम लोग कांजी कैरेक्टर्स करेंगे, कोतोवाजा भी करेंगे यानी कि मुहावरे करेंगे और कुछ नया करेंगे। जैसे कि आपकी हॉबी क्या है इसके बारे में आप बताएंगे, आप सीखेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है इसके बारे में आप सीखेंगे। आप अपनी बर्थडे जो है, जन्मदिन है, वो कैसे किसी को बता सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए आज हमारे पास क्या है। तो आज का लेसन जो है वो है ओतानजोबी वा इत्सुदेस का। तो आप देखेंगे कि जापानी में हम लोग फॉर्मल तरीके से जब बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग भाषा में बात करते हैं, जब हम अपने परिवारजनों से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तानजोबी के आगे ओ लगा है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ओ जो है वो ऑनरिफिक है, यानी सम्मान के लिए किन्हीं किन्हीं शब्दों के आगे ओ लगाया जाता है। तो जब किसी और से उनके जन्मदिन के बारे में बात होती है तो ओ लगाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल तरीके से ओ लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में देखिए है इत्सु, तांजोबी, सेनेन गप्पी और शुमी, ये चार चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम लोग एक छोटा सा ऑडियो सुन लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग को कितना समझ में आया। इमोतो सान नो तांजोबी वा अशिता देसु ने? सो देसु। मिना सान नो तांजोबी वा इत्सु देसु का? वाताशि नो तांजोबी वा निगात्सु नो जूइचि निचि देसु। आ, वाताशि नो तांजोबी मो निगात्सु देसु। निगात्सु नो नान निचि देसु का? हत्सुका देसु। आ, सो देस का। अभी आपने ऑडियो सुना, उम्मीद करते हैं कि आपको 50% तो समझ में आया होगा। बाकी 50% जो है वो हम लोग आज की क्लास में करेंगे। इसको एक बार हम आपके लिए पढ़ देते हैं। तो मीरा जी जो हैं वो तानाका सान से पूछ रही हैं, आश्ता वा इमोतो सान नो तांजोबी देस ने? सो देस। मीरा सान नो तांजोबी वा इत्सु देस का? वाताशि नो तांजोबी वा निगात्सु नो जू इचि निचि देसु। आ, वाताशि नो तांजोबी मो निगात्सु देसु। निगात्सु नो नान निचि देसु का? हत्सुका देसु। इस काइवा में नई चीज़ें क्या हैं? एक तो तांजोबी है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ने, ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें इत्सु नया शब्द है, मो आपने पहले किया हुआ है और नान निची देस का। जब हमने डेट करी थी तब हमने हत्स का किया था। तो यहाँ पर तांजोबी के आगे ओ नहीं लगाया गया है क्योंकि मीरा और तानाका जो हैं वो शायद एक साथ काम करते हैं या एक साथ पढ़ते हैं या एक उम्र के हैं और इसलिए इनफॉर्मली वो बात कर रहे हैं तो ओ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तानाका जो हैं वो मीरा के बॉस होते या सेंसेई होते तो ज़रूर मीरा सान जो हैं वो ओ लगाती, लेकिन अगर तानाका सान सेंसेई होते तो वो तांजोबी के बारे में उनसे नहीं पूछती। ये आपके अभ्यास के लिए और बाकी पूरी लिपि में लिखा है,
इसको आप पढ़िए और इसका पढ़ने का भी अभ्यास करिए। सबसे पहले पार्टिकल ने, आपको पहले भी बता चुके हैं लेकिन एक बार दोबारा से फिर बता दें, पार्टिकल ने भी का के ही समान है, दोनों ही प्रश्नवाचक हैं, लेकिन फर्क ये है कि का जब आप लगाते हैं किसी वाक्य के बाद तो आप डायरेक्ट सीधे से सवाल पूछते हैं, आपका नाम क्या है, ओ नामायवा नांदेस का। यदि आप ने लगाते हैं वाक्य के अंत में तो इसका अर्थ ये है कि आप जो चीज़ पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, कुछ ज्ञान है, और आप कन्फर्मेशन के लिए अपने श्रोता से पूछ रहे हैं ये सवाल। ने का प्रयोग का के समान वाक्य के अंत में किया जाता है, यह आपको पता ही चल गया है। अधिकतर वक्ता अपनी बात के समर्थन के लिए श्रोता से प्रश्न पूछता है, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो पूछ रहे हैं उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है। इसी प्रकार से ने का प्रयोग होता है। अब यहाँ आप देखिए, तना का सानवा गाक्सेई देस ने, यानी कि मुझे काफ़ी हद तक पता है कि आप गाक्सेई हैं या आप गाक्सेई के जैसे लग रहे हैं, मैं केवल कन्फर्मेशन चाह रहा हूँ। यदि आप पूछते तना का सानवा गाक्सेई देस का, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप गाक्सेई हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आप सेंसेई हैं, मैं जानना चाहता हूँ। इतना फ़र्क है का और ने में। आज हम लोग एक नई चीज़ करेंगे, महीने जापानी में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून कैसे कहा जाता है, बहुत ही आसान है। इचिगात्सु, गात्सु यानी महीना, इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, शीगात्सु, गोगात्सु यानी कि एक दो तीन चार पाँच, इसके बाद आप गात्सु लगाइए तो वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो भी नंबर है महीने का वो बन जाता है। तो एक बार दोबारा से, इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, शीगात्सु, गोगात्सु, रोकुगात्सु, शिचिगात्सु, हाचिगात्सु, कुगात्सु, ज्यूगात्सु, ज्यू इचिगात्सु, ज्यू नीगात्सु। तो ये जनवरी से दिसंबर तक महीने हैं। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि अप्रैल के लिए, जुलाई के लिए और सितंबर के लिए कुछ अलग कहा गया है। क्या है? शीगात्सु है, ये ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं तो चार नंबर को कैसे कहते हैं? योन। लेकिन महीने के लिए इसकी रीडिंग जो है, इसकी रीडिंग बन जाती है शी। इसी प्रकार से हम नाना कहते हैं, लेकिन महीने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो शिची बन जाती है। उसी प्रकार से क्यू कहते हैं, लेकिन महीने के लिए कू बन जाती है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर हम महीने के साथ तांजोबी भी सीखेंगे। तो अनाथानो तांजोबी वा इत्सु देस का, आपने ये पूरा वाक्य का जो पैटर्न है यहाँ तक वो अभी तक हमारा चल रहा है और आपने ये किया हुआ है, अनाथानो ओकासानवा आपने किया है, या अनाथानो ओजी सानवा, अनाथानो सेंसेवा, ये आपने पैटर्न किया हुआ है। तो आज आप करिए इसके साथ अनाथानो तांजोबी वा इत्सु देस का, यानी कि कब है। ज्यूगात्सु नो ज्यू गोनिची देस, ज्यूगात्सु अक्टूबर में, ज्यू गोनिची देस यानी 15 तारीख है, ये आप पिछले अपने क्लास में कर चुके हैं, इसका अभ्यास आप यहाँ कर सकते हैं। अब हम दोबारा से ये सवाल पूछते हैं, अनाथानो तांजोबी वा इत्सु देस का, आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ज़ोर से पढ़िए, इचिगात्सु त्सुइताची देस।
दोबारा से फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, अनाता नो तांजोबी वा इत्सु देस का कब है? सांगात्सु मिक्का देस। फिर से एक बार रेंशु कर लीजिए, तांजोबी वा इत्सु देस का कोगात्सु जुगो निची देस। और अंत में हाचिगात्सु फुत्सुका देस, हाचिगात्सु फुत्सुका देस। तो इस प्रकार से आप गात्सु का भी और निची का भी दोनों का रेंशियो कर सकते हैं, दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो काइवा आप करते हैं, इन्हीं की मदद से आप बड़ा काइवा करेंगे। इसलिए ये काइवा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे हैं, आसान हैं, इसलिए इनका अभ्यास अच्छे से करिए। अब अभी तक आपने तांजोबी किया था, तांजोबी यानी कि जन्मदिन। इसकी जगह आप और भी कुछ कर सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब है, या आप पिकनिक पर कब जा रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम कब है, ये सब भी आप कह सकते हैं। तो आप देखिए, अनाथानो केक्कोन किनेम्बी वा इत्सु देस का, केक्कोन किनेम्बी यानी कि आपकी एनिवर्सरी कब है। तो इसके लिए अनाथानो केक्कोन किनेम्बी वा इत्सु देस का सांगात्सु योक्का देस, या पूरा जवाब भी दे सकते हैं कि वाताशी नो केक्कोन किनेम्बी वा सांगात्सु योक्का देस। इसी प्रकार से केक्कोन किनेम्बी वा नानो का देस, केक्कोन किनेम्बी वा जुगो निची देस, केक्कोन किनेम्बी वा फुत्सुका देस। तो दोबारा से आप यहाँ पे तिथि का आप रेंशियो कर सकते हैं। अब केक्कोन किनेम्बी की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे शिकेन, न्यूगाकु शिकेन, पिकनिक, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो अनाथानो शिकेन वा इत्सु देस का वाताशिनो शिकेन वा सांगात्सु योक्का देस, अनाथानो न्यूगाकु शिकेन वा इत्सु देस का वाताशिनो न्यूगाकु शिकेन वा शिगात्सु फुत्सुका देस, या नीगात्सु नानोका देस, कुछ भी आप कह सकते हैं। जब भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके बारे में आप तिथि बता सकते हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पिकनिक वा इत्सु देस का गाक्को नो पिकनिक वा इत्सु देस का, तो गोगात्सु फुत्सुका देस या नानोका देस, ये आप कह करके अभ्यास अपने पार्टनर के साथ करिए। ये भी एक छोटा सा काइवा है, इसका भी रेंशु करिए आप। अभी तक हमने करा इत्सु, अब आया शब्द, प्रश्नवाचक शब्द नान। नान आप पहले भी कर चुके हैं, इसको देखिए कैसे इसमें प्रयोग किया गया है। तनाका सान नो सेइनेन गाप्पी वा नान देस का, सेइनेन गाप्पी है डेट ऑफ बर्थ। तनाका सान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो इन्होंने बताया सेन क्यू ह्याकू क्यू ज्यू नीनेन निगात्सु मिक्का देस, सेन क्यू ह्याकू क्यू ज्यू नीनेन निगात्सु मिक्का देस। तो नो लगा भी सकते हैं और आप नो हटा भी सकते हैं, ये जो नो है ये लगाया भी जा सकता है वो भी सही है, और हटाया भी जा सकता है वो भी सही है, तब भी वाक्य गलत नहीं है। अगर हम आपसे पूछें अनाथानो सेनेन गाप्पी वा नान देस का, तो आप क्या जवाब देंगे? सेन क्यू ह्याकु क्यू जू इचिनेन गोगात्सु सांजू निची देस। या आप अपने मित्र से पूछिए, मीरा सान अनाथानो सेनेन गाप्पी वा नान देस का, अगर जैसे मीरा है यहाँ पे, तो सेन क्यू ह्याकु क्यू जू योनेन शिचिगात्सु नानोका देस। इस प्रकार से आप सेनेन गाप्पी पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास करिए इसका, तनाका सान नो सेनेन गाप्पी वा नान देस का, तो यहाँ पे लिखा है, बताइए इसको कैसे बोलेंगे आप? सेन क्यू ह्याकु रोकु ज्यू सान नेन ज्यू इची गात्सु ज्यू गो निची देस। एक बार और अभ्यास कर लीजिए, खोदोमो सान नो सेनेन गाप्पी वा नान देस का नी सेन ज्यू नेन शिगात्सु फुत्सुका देस। तो 2 अप्रैल
10। अब तानाका सान की जगह आप मुस्को भी लगा सकते हैं, मुस्को यानी कि बेटा। ओका सान लगा सकते हैं यानी कि माता जी। सेंसे यानी कि टीचर। तो इन तानाका सान की जगह आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सेनेन गाप्पी आपकी क्या है। अब देखिए इत्सु और नान दोनों ही शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक शब्द हैं। इत्सु का अर्थ है कब, यानी कि वेन, अंग्रेजी में वेन, और नान जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं का अर्थ है अंग्रेजी में व्हाट, और हिंदी में क्या कहते हैं, क्या। तो दोनों ही प्रश्नवाचक शब्द हैं, अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए। इत्सु इंदो ए खाइरी मास्का, यानी कि कब भारत वापस जाओगे या जाएंगे, कब, जैसा कि आपने यहां देखा कब, कब भारत वापस जाएंगे। और दूसरा अगर आप देखिए तो इत्सु पिकनिक ए इकीमास का, या पिकनिक वा इत्सु देस का। तो कब के लिए इत्सु का प्रयोग किया जाता है, और जैसा कि हम लोग पहले से देख रहे हैं अनातावा नान साई देस का, यानी आप कितने बड़े हैं, या क्यो वा नान निची देस का, या कोरे वा नान देस का, ये क्या है। तो इस प्रकार से इत्सु और नान का प्रयोग होता है, अलग अलग जगह ये प्रश्नवाचक शब्द लगाए जाते हैं। एक और चीज़ इसमें देख लीजिए, इत्सु के बाद क्रिया का प्रयोग होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया इत्सु इंदो ए खाइरी मास का, इत्सु पिकनिक ए इकी मास का, यासुमी वा इत्सु देस का। तो जहाँ तक देखा जाता है क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, और नान के बाद अधिकतर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये नान के बारे में जो हम बता रहे हैं ऐसा कोई रूल लिखा नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है कि अधिकतर काउंटर के बाद नान का प्रयोग किया जाता है। नान का प्रयोग द, त, न से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है, ये एक रूल है, जैसा कि अभी आप देखेंगे नान देस का। सो द से शुरू हुआ है इसलिए नान देस का। नान नैन से देस का न से शुरू हुआ है, और नान तो ईमास का, आप क्या बोल रहे हैं। तो ये एक रूल है। अब तांजोबी वा इत्सु देस का, आपका जन्मदिन कब है, ये हम लोगों ने अभी इसका अभ्यास भी किया है। तो इसलिए याद रखिएगा कि तांजोबी के लिए इत्सु का प्रयोग होता है, और सेनेन गाप्पी के लिए नान का प्रयोग किया जाता है। सेनेन गाप्पी वा इत्सु देस का नहीं कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेई नेन गाप्पी, सेनेन गाप्पी, तो इसका ध्यान रखिएगा, सेनेन गाप्पी के लिए नान का प्रयोग होता है और तांजोबी के लिए इत्सु का प्रयोग किया जाता है। अब आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि वाताशिवा गाक्से देस, वाताशिवा इंदोजिन देस, वाताशिवा इंदो करा देस, वाताशिवा हाताची देस, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए। एक और चीज़ उसमें ऐड कर लीजिए आज, वो है शुमी, यानी कि आपकी रुचि, आपके शौक, आपकी हॉबी क्या है। तानाका सान नो शुमी वा नान देस का, शुमी यानी कि हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। देखिए ओंगाकू यानी कि म्यूजिक, यामानोबोरी यानी पहाड़ चढ़ना, पियानो पियानो बजाना, साइकिलिंग यानी कि साइकिल करना, साइकिलिंग मेरा शौक है।
तो आप ये कह सकते हैं तनाका सान नो शुमी वा ओंगाकु देस, तनाका सान नो शुमी वा यमानो बोरी देस, तनाका सान नो शुमी वा प्यानो देस, तनाका सान नो शुमी वा साइक्रिंग देस। या आप अपना नाम भी कर सकते हैं, वाताशी नो शुमी वा ओंगाकु देस, वाताशी नो शुमी वा साइक्रिंग देस। तो इस प्रकार से आप किसी को भी बता सकते हैं कि मेरी हॉबी, मेरी रुचि किस चीज़ में है, मेरा शौक क्या है। अब तानाका सान की जगह आप सेंपाई यानी कि आपसे जो सीनियर हैं, ओका सान तोमोदाची तानाका सान नो मुसुमे यानी कि तानाका सान की सुपुत्री, तो इनका इस्तेमाल करके आप यही सवाल पूछ सकते हैं कि तानाका सान नो मुसुमे सान नो शुमी वा नान देस का, अनाथा नो तोमोदाची नो शुमी वा नान देस का, या ओकासान नो शुमी वा नान देस का। और आप जवाब दे सकते हैं कि ओकासान नो शुमी वा यमानो बोरी देस, या ओकासान नो शुमी वा प्यानो देस, तनाका सान नो मुसुमे सान नो शुमी वा साइक्रिंग देस। तो कुछ भी आप छोटा सा एक काइवा कर सकते हैं, इसका आप अभ्यास कर लीजिए। अनाथा नो शुमी वा नान देस का, तो उन्होंने जवाब दिया वाताशी नो शुमी वा टेनिस देस, यानी कि मुझे टेनिस पसंद है। तो ये तस्वीर में क्या कर रहे हैं सज्जन, ये गोल्फ खेल रहे हैं। तो शुमी वा नान देस का, शुमी वा गोल्फ देस, शुमी वा नान देस का, शुमी वा पेंटिंग देस। यहाँ पर आप ए भी कह सकते हैं, शुमी वा ए देस, यानी कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, ए पेंटिंग को कहते हैं। शुमी वा नान देस का, शुमी वा साइक्रिंग देस। सो पिक्चर देख करके जवाब दीजिए कि इनकी हॉबी, इनकी रुचि किस चीज़ में है। अब कोतोवाजा क्या है, कोतोवाजा किसे कहते हैं? जापानी में मुहावरों को, लोकोक्तियों को कोतोवाजा कहा जाता है। ये दो शब्दों से बना हुआ है, कोतो माने बात और वाजा माने टेक्निक या तरीका। तो अपनी बात को संक्षिप्त में कहने का एक तरीका, उसे कोतो वाजा कहते हैं, उसका स्टाइल है ये। बहुत छोटे से में, बहुत संक्षिप्त में आप बहुत कुछ कह दीजिए, बहुत मायने की बात कह दीजिए, उसे कोतो वाजा कहते हैं। तो देखिए आज का कोतो वाजा क्या है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चिड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत शांति से बैठी हैं, एकाग्र होकर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डाल पर बैठी है, एक पैर पर बैठी है, केवल एक टक देख रही है ये चिड़िया पानी में, यहाँ तक कि ये बिल्कुल शांत झुकी हुई बिना हिले बैठी हुई है पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि कब मछली आए और कब मैं उस पर चोंच डाल करके उसको पकड़ लूँ। तो इस तस्वीर से आपको क्या समझ में आता है, ये क्या कोतोवाजा होगा? बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कोतोवाजा है, ये है इशिनो उएनिमो सानने। इस कोतोवाजा को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, आपने पिछली बार अपने लेसन में भी इशी के साथ मुहावरा किया था, क्या मुहावरा था वो बताइए ज़रा। इससे कि नीचो, इससे कि नीचो, क्या आपको बताया था हमने कि एक पत्थर से दो निशाने साधना, इसको एक तीर से दो शिकार करना, इससे कि नीचो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पत्थर की कांजी इशी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इसको बोला अलग तरीके से जाता है। हमने इसको बताया से कि, इससे कि, और यहाँ पे हमने बताया इसको इशी, ई शी। तो कांजी कैरेक्टर्स जो हैं उनको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, उनकी रीडिंग्स जो हैं अलग अलग होती हैं, अलग समय पे अलग तरीके से उनका उच्चारण किया जाता है। यहाँ पे आपको ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिख गया है, इससे कि नीचो और इशी नो उएनिमो सान्नेन।
इसी प्रकार से ये जो चो की कांजी है, चो, ये चिड़िया है, इससे की नीचो, एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना। आपने यही जो चिड़िया शब्द है ये तोरी के रूप में भी किया है, तोरी यानी चिड़िया, या तोरी निकू भी किया है आपने, यानी कि चिकन, जो मीट होता है उसके लिए भी आपने प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे इसको चो कहा गया है। तो आप देखेंगे दो तरीके से इस कांजी को भी कहा जाता है। अब हम लोग अपने आज के कोतवाजा पे आते हैं, इशिनो उवेनिमो सान्नेन। इसका लिटरल अर्थ है, अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो पत्थर के ऊपर भी तीन साल। अब इससे आपको समझ में क्या आता है, यदि आप पत्थर जो कि इतना ठंडा है उस पर भी अगर आप तीन साल बैठे रहेंगे एकाग्र होकर के, तो वो पत्थर भी पूरा गर्म हो जाएगा। यानी कि कोई भी कार्य अगर आप करेंगे पूरे मन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मन से, लगन से, तभी वो कार्य संपन्न होगा, तभी आपको कोई रिजल्ट नज़र आएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये सब जो है ये परसिवियरेंस के लिए है, आप पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ करते रहिए और वो काम ज़रूर ठीक होगा। पूरी एकाग्रता के साथ अगर कोई कार्य किया जाए तो वो अवश्य संपन्न होता है। एक और अर्थ है कि कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो एकदम से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा भी नहीं। यदि आप चाहें कि आपने इधर कुछ काम किया और उधर एकदम आपको कुछ उसका रिजल्ट मिल गया, तो ऐसा संभव नहीं होता है। कोई भी कार्य करने में समय लगता है, कुछ भी हासिल करने में समय लगता है, तो तीन साल के बाद ही, ऐसा उनका कहना है। तीन साल कोई तीन साल का अर्थ नहीं है, ये एक टाइम की बात है कि कुछ समय के बाद ही आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट दिखाई देता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ तक कि पत्थर में भी अगर पानी डालते रहिए तो वहाँ पर काई जम जाती है, या वहाँ पर फूल भी निकल आते हैं, या फर्न्स निकल आती हैं। पहाड़ों में आपने देखा होगा कि बिल्कुल पहाड़ है, कुछ मट्टी नहीं है, लेकिन पीछे से कुछ फर्न निकली हुई है। तो लगातार कोई भी काम करेंगे तो ज़रूर उसका जो परिणाम है वो अच्छा ही होगा। लगातार पढ़ते रहिए, जैसे हम लोग का है, कांजी है, मुश्किल लगती है, लेकिन अगर हम पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। तो पूरे लगन के, धैर्य के साथ, धीरज के साथ कार्य करिए, अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। इस कोतवाजा का ये अर्थ है इशिनो उवेनिमो सान्नेन। अब देखिए, अभी हमने नैन किया, सेई नैन गापी, सेई नैन गापी, यानी कि पैदा होने का साल, महीना और दिन। आप देखेंगे यहाँ पे इसकी रीडिंग क्या हो गई, इसकी रीडिंग हो गई पी। तो अभी तक आपने नीची भी करी है, का भी करी है इसकी रीडिंग, एक इसकी रीडिंग पी भी है, तो नैन। अब ये कांजी आई कहाँ से, क्योंकि एक साल में व्यक्ति एक ही बार कोई फसल निकाल सकता है। अगर आप चावल निकालते हैं तो उसका रोटेशन जो साइकिल है वो साल भर का साइकिल है, इसलिए यहाँ से इची नैन आया है। ये देखिए, ये हितो का आ जाता है, यहाँ पे हितो आ जाता है, और बाकी ये पेड़ है, देखिए किस तरीके से उसका धान निकला है और कैसे उन्होंने नैन बनाया है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, नैन, इसको नैन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और कांजी है आपके लिए, ताकी, यानी कि खेत की। हम लोग सब गांव जाते हैं, देखते हैं, तो गांव में जब भी आप खेत देखेंगे तो उसमें मेड़ी बनी होती है चलने के लिए, और जब चावल लगाया जाता है तो थोड़ा गहरा करके लगाया जाता है जिससे उसमें पानी भर सकें और पानी इधर उधर ना जाए। तो इसी प्रकार से पूरा ये विजुअल ले करके खेत की कांजी बनाई गई है, ता इस प्रकार से बनती है और इसको ता कहा जाता है। तना का सान आप कर रहे हैं इतने दिनों से, तना का सान, तो तना का सान का
ता है ये। आपको याद रहेगा, अब हम उम्मीद करते हैं कितने स्ट्रोक की कांजी है ये, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका स्ट्रोक ऑर्डर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसे ना बना करके 1, 2, 3, 4 और 5 ही बनाना है। और इसी के साथ आपका गृह कार्य है, बहुत सारा होमवर्क है आपके पास, इतनी सारी डेट्स दी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक। आप अपने मित्र के साथ इसका रेंशू करिए, इसका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, बोल करके ज़ोर से पूछिए, जवाब पाइए। और ये ग्रुप ए और बी है, इसको मैच करिए आप लोग, देखिए कौन सी कांजी की क्या रीडिंग है। इसी के साथ आज का जो क्लास है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपके पास आज बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन पूरा तैयार करने के लिए, अपनी शोकाई तैयार करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें अब बता दी गई हैं। तो पूरा पूरा एक इंट्रोडक्शन लिखिए और करके अपने दोस्त के सामने अपने दोस्त को बताइए कि आप कहाँ से हैं, कितने बड़े हैं, क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी सेन एंड गप्पी क्या है, और अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन करिए और अभ्यास करिए इसका। इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जल्दी ही फिर मिलेंगे। माता आई माशा।